अब नया साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल में हमें काफी कुछ नया भी देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो के जरिए 2020 की तरफ एक बार फिर नजर मारते हैं और देखते हैं गोदी मीडिया के डिबेट्स को, जब नेता गोदी मीडिया के एंकर पर पूरी तरह से हावी होते दिखे। आज तक पर CAA NRC के मुद्दे पर बात करने के लिए जावेद अख्तर को बुलाया था। एंकर ने अपने सवालों में जावेद अख्तर को उलझाने की कोशिश की तो अपने जवाब से जावेद अख्तर ने एंकर को चुप करवा दिया। देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है ये आपका एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पर, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहते, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पर। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पर, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। दिल्ली चुनाव के दौरान टाइम्स नाउ पर केजरीवाल का इंटरव्यू हुआ। एंकर द्वारा शाहीन बाग पर सवाल किए जाने पर केजरीवाल ने एंकर को मोदी से सवाल ना करने को लेकर टोका। देयर सर, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है शाहीन बाग, क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, JNU के एक मिनट छात्र जाते हैं, पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग उनसे देश के, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की, बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे सारा दिन सुबह से शाम तक, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए अब। न्यूज 18 पर दिल्ली चुनावों पर बात करने के लिए सुभी खान और वारिस पठान को बुलाया गया। जब सुभी खान ने वारिस पठान पर इल्जाम लगाए तो वारिस पठान ने इसका पलट जवाब दिया और एंकर को भी टोका। आर्टिकल 51A नाम की कोई चीज पता है? होमवर्क देती हूँ, जाइए जाके पढ़िए, जाके अपने बड़े भड़काऊ भाईजान से रट के यहाँ पे तोते की तरह मत बोला करिए, सोच समझ के बोला करिए। तोता, बकवास, क्या हो रहा है? अरे वो भी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया, आप उसकी दुम बजा के घूमते रहते हो। किसी महिला के साथ वारिस पठान, ऐसा बोलूंगा कुर्सी छोड़ के भागेंगी ये पठान। वारिस पठान, अरे सारे सिस्टम की भाषा नहीं बोलेंगे, किसी महिला के लिए नहीं बोलेंगे अपनी भाषा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे। आप मेरे सामने बैठे तो जुबान को काबू में रखे बोलिए, आपने गलत भाषा का इस्तेमाल करा, आपको वापस लेने चाहिए हमेशा। अरे मोदी ने आपके गले में बांध दिया पट्टा और आप उसकी गुलामी कर रहे हो बैठ के यहाँ पर। तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं है मेरे सामने बोलने की। आपको 5 पैसे की। न्यूज नेशन के दीपक चौरसिया कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने शो में तबलीगी जमात को तालिबानी जमात कह दिया, लेकिन बाद में वे मुकर गए और ये मानने से ही इनकार कर दिया। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। बोलेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। आज तक पर हाल ही में तबलीगी जमात को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने जब जमात को लेकर आशुतोष से सवाल किए तो उन्होंने फैक्ट्स के साथ मीडिया की आलोचना की और ये भी कहा कि भारतीय मीडिया की हैसियत ही नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दे। वसुंधरा राजे पर बहस हुई, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बहस हुई, देश के राष्ट्रपति के पीछे वो मौजूद थे खड़े, उन पर बहस हुई।
कैसे कैसी गलत बात कर रहे हैं आप? आप मिसलीड कर रहे हैं यार। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आपने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग? कल भी आप इस देश के मीडिया ने, इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है देश के अंदर, मैं डिनाइल नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते आप लोग सच्चाई। इस देश के मीडिया ने, इस देश के मीडिया ने यहाँ के लोगों को, राहुल गांधी और मजदूरों की बातचीत पर एबीपी न्यूज पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रूबिका लियाकत ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की, जिस पर विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें जवाब दिया। मोदी जी के वीडियो गिनाना शुरू करूं जिस पे आप लोग चार चार दिन तक कसीदे पड़े हैं, सुबह का वक्त वो सुबह के लॉन में टहलते हुए से लगाए और जिम कार्बेट से लगाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट गरीबों के साथ, यदि थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो भी जिसको वीडियो की सवाल का जवाब दे रहा है। प्लीज मेरी बात, मेरी मैं वही दे रहा हूं, प्लीज मेरी बात हो जाने दे। अखिलेश प्रताप, मेरी बात हो जाने दे। आपको दिक्कत हो सकती है, आपके नेता है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं सब से बता रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं जवाब दे रहा हूं। शीर्ष के नेता है, मेरा नेता है, उनके किसी कदम को हम लोग सवाल के निशानों पर, कसौटी पर खड़ा करने की या उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, मुझे पता है। पर ये बताइए मैं क्यों ना इसे वीडियो गेम, अखिलेश जी मुझे बताइए मैं क्यों इसे वीडियो गेम। अहंकार है आपका भी, एक मैं अहंकार में नहीं बात कर रही हूँ, मुझे अहंकार में नहीं बात करनी है, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह साहब ये बताइए कि राहुल गांधी के पास वॉइस ओवर करने का वक्त है, एडिटिंग करवाने का वक्त है? मौलाना साद और तबलीगी जमात के मुद्दे पर न्यूज नेशन में हो रही डिबेट में जब दीपक जी ने एजाज खान से मौलाना पर सवाल किया, तब एजाज खान ने कोरोना फैलाने के लिए सरकार को दोषी बताया, तभी दीपक जी बीच में बोलने शुरू हो गए। इस पर एजाज खान भड़क उठे और उनको चुप करवा दिया। मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूँ, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूँ। अरे अभी सुनेगा कि रख दूँ फोन में? ना ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सुन, ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे, इंडोनेशियन मलेशियन ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे, तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है, तू एकदम गल्ला रिपोर्टर है। लेकिन फिर भी और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी, चौरसिया साहब तू भी बोलेगा एक दिन ये हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे यार मेरे भाई तू। बहुत चांसेस होता है एजाज खान। आज तक पर राजस्थान के मुद्दे पर डिबेट में अंजना ने कांग्रेस प्रवक्ता से नेता को रिजॉर्ट में छुपाने को लेकर सवाल किए, जिस पर अपने जवाब में उन्होंने मीडिया को बीजेपी नेता से सवाल ना करने पर टोका। नाम तो बताइए, नहीं नहीं बीच में पूछूंगी ना, आप मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए ना, फिर आप मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए, नहीं आप मीडिया पर, आप क्योंकि आप जवाब दीजिए। अगर अगर मेरा रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है शरद, वो जो बता रहा है, जब मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से ये रिपोर्ट दे रहा है, वो कह रहा है कि नाम का अंजना ओम कश्यप जी, पवन खेड़ा जी आपको भी जवाब देना होगा, आपकी जवाब दे है, आपकी जवाब दे है। अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम दर्ज किया गया है, मेरा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो कह रहा है, वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपका रिपोर्टर की पूरी आपका यही काम अब रह गया है पवन खेड़ा जी, कि आप रिपोर्टर पर मीडिया पर रिपोर्ट खड़ा कीजिए, उल्टा हम पर आप बोल रहे, तो आप साबित कीजिए ना, उल्टा और सुलटा की बात नहीं, आप साबित कीजिए, नाम बताइए, मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपकी सलाह मान लेते तो पता नहीं कहाँ कहाँ सरकार गिर जाती है, अच्छा है हम आपकी सलाह नहीं मानते, इसलिए आप कौन सलाह देता है आपको, कौन सलाह दे रहा है आपको, बोलिए ऐसे पत्रकार जिनसे आप सलाह लेते होंगे, हम नहीं देते आपको सलाह। आज तक पर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने ओवैसी से सवाल किए, तब ओवैसी ने बीजेपी लेने को लेकर एंकर को टोक दिया, जिस पर वह भड़क उठे। ये तो बहुत ही ज्यादा विशफुल थिंकिंग है ना सर, जो आप कह रहे हैं कि ये क्या सीबीआई से उसके खिलाफ अपील करवाएंगे, यहाँ रक्षा मंत्री से लेकर सब सत्यमेव जयते लिख रहे हैं और वाहवाही दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और आप इन्हीं से अपील कर रहे हैं, ये पोस्चरिंग है क्या आपकी तरफ से? आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, कौन जिम्मेदार है?
मैडम देखिए, मैं इतना बीजेपी से मेरे करीबी ताल्लुकात नहीं है जितना आपके या आपके लोगों के हो सकते हैं। मेरे को नहीं मालूम जजमेंट लिखा है या लिखा गया है, मगर कोई जजमेंट तो लिखा नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि जजमेंट गलत है, जजमेंट के खिलाफ अपील होनी चाहिए। और आपका क्या अर्थ है जब आप ये कहते हैं कि आप या फिर आपके लोग बीजेपी के करीब हो तो इसका जवाब दीजिए। अरे सर, आपने लिखा है ना कि फैसलों में तरफदारी हो रही है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, कौन लिखवा रहा है। मैंने कहा लिख रहा है, कौन लिखवा रहा है, कौन लिख रहा है, जज की गलती है, कौन लिख रहा है, आप बताइए ना सर। जी न्यूज पर राहुल गांधी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेसी नेता और सांसद रवनीत पिट्टू से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सवाल किए, जिसका रवनीत बिट्टू ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिट्टू जी, एक बार बताइए, जो आपका बयान था कि हम लाशों के ढेर लगाएंगे, वो भी अब राहुल गांधी मतलब अकेले करना पड़ेगा अब आपको? राहुल गांधी तो चले गए इटली। मैंने ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का आप लोगों ने। आप कितना पेट नहीं भरता आपका, हर टाइम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी। आप अपना काम करो, किसानों के अंदर जाओ, आपका चैनल वहां तो जा नहीं सकता, वहां तो भगाते हैं आपको, क्योंकि आप गोदी मीडिया हो, वहां जाओ ना बिट्टू जी। आपने कहा था ना लाशों के ढेर लगाएंगे, आने के और टाइम नहीं आपके पास, 1 जनवरी 2021 के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे बिट्टू जी, आपने कहा था। भाई तुम जाके ये काम अकेले करना पड़ेगा। अरे वो तो देखेंगे, आप जाओ उठ के जहां। अरे भाई मैं भी सरदार बेअंत सिंह का पोता हूँ, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए, वो भी उसका बाप राजीव गांधी और दादी टुकड़े टुकड़े हो इस देश के लिए, आप लोगों ने दिए करवानी। अरे मैं उसका पोता बैठा हूँ, लाशों के ढेर हमने अपने लगाए हैं। एंकर और नेताओं की नोकझोंक हमें नए साल में भी देखने को मिलती रहेगी, और नए मुद्दों के साथ हम आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.